करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया। और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहां पर उतारा है। अब याद करिए, मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, वह पैसा जयपुर में आके अटक जाता है। जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो कांग्रेस के नेता कोई देश के बाहर पिकनिक मना रहा होता है, कोई जयपुर से बाहर नहीं निकलता है, और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे, इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों का एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए 4 करोड़ लोगों को एक एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी है वही साथी है, 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये पहली बार मिला है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, भारत में मोदी जी ने ऐसा वैक्सीन बनाया, कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस सरकार होती तो कोरोना वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर आई जाती, वैज्ञानिक शोध करके लाई देते, तो ये उसको भी ब्लैक कर देते। और यही कारण है राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया पनपे हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना, यूपी में बुलडोजर सब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय भी देती है, उसके सम्मान की रक्षा भी करती है, और उसकी आस्था का सम्मान भी करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है, तिनका नहीं होता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, पूरी भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना, दीपावली के दिन ये दीपोत्सव के कार्यक्रम अब हर जगह होते हैं, सुरक्षा भी है, आस्था का सम्मान भी है। और उसी आस्था के सम्मान के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आप राजस्थान के लिए पूनिया जी को एक बार फिर से कमल खिला करके जयपुर भेजिए। और मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे सब तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं।
आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी, ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहां संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं, जन्म लेने के साथ राम और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेस ही हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए, तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आह्वान करने के लिए आया हूं कि जो आपकी भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने भव्य मंदिर में 500 वर्षों के बाद विराजमान होंगे। कितने लोग इच्छा रखते हैं अयोध्या जाने की? पूरा राजस्थान। भाइयों बहनों, अब मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप श्री सतीश पूनिया जी को विधानसभा में जयपुर भेजिए। और सतीश पूनिया जी के लिए जिम्मे देता हूं कि आमेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को लेकर के 22 जनवरी के बाद अयोध्या जरूर पहुंचे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों सहमत है ना? देखो, आप अगर इस कार्य को करेंगे तो पूनिया जी 3 दिसंबर के बाद ट्रेन पहले से बुक करवा लेंगे, है ना? बाकी अयोध्या में तो हम लोग देख लेंगे। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की जय।